हेलो, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाहर पूरे बादल ही बादल हो रखे हैं। प्लान था पेरियार लेक जाने का, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बादल हो रखे हैं, कुछ दिखाई नहीं देगा लेक पे जाएंगे तो। यहाँ बैठे हैं होटल में, बालकनी से मजे ले, बालकनी से बाहर का ही कुछ नहीं दिख रहा है, इतने बादल हैं। इतने बादल हैं नीचे। गर्म पानी पिया है, नाश्ता करने चलते हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश रुक चुकी थी, इसके बाद में हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद में हम लोग निकल चुके थे पेरियार लेक देखने के लिए। रास्ते में मतलब पास में ही जो बस स्टॉप था और यहाँ पर एंट्री चार्जेस जो हैं लिखे हुए हैं बसेस के, जो कि पेरियार लेक को जाती हैं। और अगर आप जो है कैमरा यूज़ करते हो तो आपको जो है अलग से भी चार्जेस देने होंगे कैमरा यूज़ करने के। और उसके बाद में रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ग्रीनरी थी। तो आप मेरे वीडियो को करिए इन्जॉय, मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके थे पेरियार लेक। तो अगर आप पेरियार लेक आ रहे हो ना तो सुबह सुबह ही आना, क्योंकि हम लोग ना 11 बज गए थे हमें बारिश की वजह से, और सब लोग जानवर जो हैं अंदर छिप गए थे। तो हमें कुछ एक जानवर ही हैं जो देखने को मिले। और यहाँ पर जो है अलग अलग बोट हैं जहाँ पर आप अपनी जगह जो है ले सकते हो, और अपनी मर्जी की जगह आप नहीं ले सकते हो, आपको जो जगह मिलेगी आपको वही लेनी पड़ेगी। हमारे साथ ही हो चुका है और 255 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 4 से 5 बोट थी जिसपे जो है अब ये लोग इकट्ठा करेंगे, मतलब जितनी भी टिकट होंगे उसके बाद में सारी बोट जो है इकट्ठी, फिर उसके बाद में चलेंगी। और पेरियार लेक बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की ब्यूटी दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी। ऑब्वियस है कि जंगल है तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी। और हमारे साथियों की गगन की सीट पीछे थी और मेरी आगे थी, लेकिन बहुत सारी सीट खाली थी तो हमने जो है बाद में शिफ्ट कर लिया था। लेकिन जो है आप ये सोचो कि अगर आप साइड वाली सीट ले लोगे और बीच वाली सीट आपको नहीं चाहिए तो ये सब आप नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर ना बिल्कुल इतनी ज़्यादा सख्ती थी ना कि आपको बोट से उठने भी नहीं दिया जा रहा था, और आप सिर्फ बैठ सकते हो बस बोट पे और कुछ नहीं कर सकते हो, ज़्यादा उठने भी नहीं दिया जा रहा था। फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए सिर्फ 2 सेकंड के लिए अगर उठ रहे हो तो उठ रहे हो। देखो, मैं यहाँ पे हिरण देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर ना कुछ हादसा हो गया था 1-2 साल पहले, तो उसके बाद से ये जो गवर्नमेंट की बोट्स हैं जो कि यूज़ होती हैं यहाँ पर, और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त हिदायत के साथ में आपको घूमते हैं। तो मैं तो बिल्कुल खड़ी ही नहीं हो पाई हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ऐसे मिल सके। और देखो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लेक थी, बहुत ही बड़ी लेक थी। अगर आप जो है थेकड़ी आ रहे हो तो पेरियार लेक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सुबह सुबह ही जाइएगा, क्योंकि सुबह जाओगे ना तभी आपको जानवर देखने को मिलेंगे। हम लोग बारिश की वजह से सुबह सुबह नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी जो है हमें कुछ एक जानवर देखने को मिले थे, लाइक नेवले, हिरन और पक्षी, बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के पक्षी थे जो कि योगा कर रहे थे। जिस तरीके से वो बैठे थे ना ऊपर, मतलब किसी भी लकड़ी के ऊपर, ये सब तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर पेड़ देखो आप, कितने सुंदर सुंदर पेड़ थे जो कि मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पर देखो कितना सुंदर नज़ारा है, और आपको साइड में ना बोट, दूसरी बोट देखने को मिलेगी तो वो भी बहुत ही सुंदर था। मतलब आप जो है अगर नेचर से रिलेटेड फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर आपको मतलब की जगहें मिलेंगी जहाँ पर आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकाल सकते हो। तो अब आप मेरी वीडियो करिए इन्जॉय, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
फ्रेंड्स आपको 1-1.5 घंटा ये घुमाएंगे अच्छे से, 2 घंटे ही लग जाते हैं आई थिंक। और उसके बाद में हम लोग उतर चुके हैं बोट से और वहाँ पर हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की। उसके बाद में हम लोग आ चुके हैं बाहर और यहाँ पर ना एक बोट टाइप का ही मतलब रेस्टोरेंट बनाया हुआ है या कैफ़े बनाया हुआ है, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, जंगल बाइट्स कैफ़े नाम से, देखो ये वाला। और ये सच में ऐसा लगता है जैसे कि जो बोट है वो खड़ी हुई हो पानी के अंदर, तो इस तरीके का लगता है, बहुत ही सुंदर है। आप जो है इसमें जाकर थोड़ा बहुत मतलब रिफ्रेशमेंट वगैरह ले सकते हो। और अब हम लोग आ गए थे बाहर क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, दोपहर हो गई थी, तो हमने जो है केरला स्टाइल से जो है बैम्बू बिरयानी खाई वहाँ की। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत यम्मी थी, बहुत ही मतलब जो लोकल टेस्ट होता है ना वो था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। उसके बाद में हम आ गए थे अपने होटल क्योंकि हमें चेकआउट करना था उस होटल से, और इस होटल में हमें करना था चेक इन जो कि है रॉयल करके कुछ होटल था, साथ में ही रॉयल थेकड़ी नाम से। तो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा होगा ना तो लाइक कर देना और आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।